Time now for a quick eBix Cash news alert coming in. TMC's Kunal Ghosh has now arrived at the ED office in connection with the Sharda Chit Fund scam investigation. Remember, it was yesterday when the ED has sent out a notice to TMC's Kunal Ghosh. For more on this, let's go across to my colleague Anupama joining us on the phone. Anupama, we are seeing as to how the TMC leader has reached the ED office after a notice was sent to him. बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि देखिए कुणाल घोष जो है वो अभी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, लेकिन कुणाल घोष की तरफ से कल ये बयान दिया गया था कि वो जो है पूरा सहयोग करेंगे ईडी के सामने। उन्होंने खुद कहा कि मैं जो है समय से पहुंच जाऊंगा और ईडी की तरफ से जो भी सवाल जवाब किए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा अगर पीछे जाए, क्योंकि जिस वक्त वो जेल गए थे और जिस वक्त बात आ रही थी कि जब उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ बयान दिया था, उसके बाद उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात होती है, मंत्री बना दिया जाता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अब दरअसल ईडी जो है आज उसी हिसाब से पूछताछ करेगी, क्योंकि एक बार उन्होंने एक ये बयान जारी किया था कि मेरे पास वो सारे तथ्य हैं जिसमें शारदा चिटफंड घोटाला जो है उससे उजागर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर कौन कौन आरोपी है। तो आज देखिए ईडी जो है अब इस पूरे मामले में इस हिसाब से पूछताछ करेगी कि आखिर वो कौन से बयान के बारे में बात कर रहे थे, उनके पास वो कौन कौन से दस्तावेज है जिनकी जांच करनी जरूरी है। हालांकि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि क्या जिस बयान पर वो उस वक्त कायम थे आज भी वो उसी बयान पर कायम रहते हैं। ईडी से जो भी ईडी जो है जो भी सवाल जवाब पूछेगी क्या उसका वो निष्पक्ष होकर जवाब देंगे या नहीं देंगे। लेकिन देखिए ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लिया। थैंक यू सो मच अनुपम फॉर गेटिंग दैट क्विक ईबिक कैश न्यूज अलर्ट कमिंग इन ऑफ टीएमसी कुणाल घोष, हु हैज नाउ अराइव्ड एट द ईडी ऑफिस इन कनेक्शन विद द शारदा चिट फंड स्कैम इन्वेस्टिगेशन।